हेलो गाइस, आज हम एक क्रिएचर को लेके डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिए वो क्रिएचर को लेके डिटेल्स मेन जानने के लिए। सायरन हेड एक 40 फुट लंबा ह्यूमनॉइड प्राणी है जिसमें एक भारी क्षीण निकट कंकाल का फ्रेम होता है जो सूखे ममीकृत मांस से जंग लगी धातु के रंग में ढका होता है। इसके अंग अनुपातहीन रूप से लंबे और पतले होते हैं। इसकी बाहें उसके पैरों जितनी लंबी होती हैं, जो विशाल हड्डी वाले हाथों में समाप्त होती हैं। जहां इसका सिर और गर्दन होगा, इसके बजाय एक पतली धातु का खंभा जिसके साथ विनिक सायरन की एक जोड़ी जुड़ी हुई है उसके कंधों के बीच से फैला है, जिसमें काले तार पोल के चारों ओर घूमते हैं और सायरन को उसके ऊपरी धड़ से जोड़ते हैं। ये स्पीकर इसके शरीर के एकमात्र धातु के हिस्से हैं, जो त्वचा के टेंड्रिल द्वारा गर्दन से जुड़े होते हैं और उल्लू के सिर के समान पूरी तरह से घूमने में सक्षम होते हैं। कुछ छवियां सायरन हेड के स्पीकरों को दर्शाती हैं, जिनमें दांतेदार होंठ रहित जबड़े और लंबी वापस लेने योग्य जीभ होती है। कुछ तस्वीरें सायरन हेड को कई सायरन वाले या उसके सिर के स्थान पर स्ट्रीट लैंप होने के रूप में दर्शाती हैं। इन दोनों का अर्थ है कि सायरन हेड या तो अपने परिवेश के साथ बेहतर मिश्रण के लिए अपनी उपस्थिति को बदलने की क्षमता रखता है या सायरन हेड की उपप्रजातियां मौजूद हैं। अपने नाम के अनुरूप सायरन हेड के स्पीकर विभिन्न प्रकार की तेज आवाजें बजा सकते हैं, आमतौर पर हवाई हमले के सायरन, विकृत संगीत या आपातकालीन प्रसारण। हालांकि यह जानवरों के शोर और उन लोगों की आवाजों की नकल भी कर सकता है जिन्हें उसने सुना है, आमतौर पर मानव पीड़ितों को लुभाने के लिए। ट्रेवर हेंडरसन ने यह भी बताया कि सायरन हेड को एक गीले कैसेट टेप और उसके शरीर में शामिल एक टेप रिकॉर्डर के साथ पैक किया जा सकता है। यह इस बात का स्पष्टीकरण हो सकता है कि कैसे सायरन हेड अपने पीड़ितों की आवाज और आसपास की आवाजों को पकड़ लेता है, जिसे सायरन हेड चारा के रूप में दोहराता है। हालांकि कुछ प्रशंसक सिद्धांतों में कहा गया है कि सायरन हेड के सायरन और या लैंप कृत्रिम रूप से इसके शरीर रचना का एक प्राकृतिक हिस्सा होने के बजाय इसके शरीर से जुड़े थे। 25 अप्रैल 2020 को हेंडरसन ने ट्विटर पर एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि सायरन हेड एक आदमी नहीं है, निर्मित प्राणी, और वह सायरन हेड में मिश्रण करने के लिए विभिन्न मानव प्रौद्योगिकियों की नकल करने की क्षमता है। ट्रेवर हेंडरसन ने यह भी समझाया कि हालांकि सायरन हेड एक भौतिक इकाई है, लेकिन इसकी उपस्थिति प्रत्येक गवाह के साथ भिन्न होती है। व्यक्ति सायरन हेड को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, हालांकि शरीर रचना हमेशा समान होती है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।